हम मीडिया में देखते हैं, हम न्यूज़ चैनल में देखते हैं, हम न्यूज़पेपर में पढ़ते हैं कि रेलवे में सुधार आ रहा है, रेलवे में चमक आ रही है, ठीक है, पैसेंजरों को परेशानी नहीं हो रही है, हो सकता है सरकारी कर्मचारियों को भी काफ़ी सहूलियत मिल रहा है, काफ़ी चीज़ें मिल रही हैं, काफ़ी सुविधाएँ मिल रही हैं, लेकिन उनका क्या जो अंदर एक डेली वेजेस में है, जो ठेकेदार के अंडर पे काम कर रहे हैं। क्या नाम है सर आपका? जी लतीफ़ अहमद नाम है। अच्छा, इसी कोच अटेंडेंट हैं जी। हम 2010 से काम कर रहे हैं इसमें कोच अटेंडेंट का। तो लतीफ़ जी बताइए, क्या करते हैं पूरी तरीके से, मतलब क्या काम रहता है कुछ आपका? जी एक से लेकर 80 सीट पे बेडोल प्रोवाइड करना होता है। अच्छा, तो सारे बेड ऑन प्रोवाइड करते हैं, सारी चीज़ें आप प्रोवाइड करते हैं, जितना भी आपके चादर वादर होता है, फिर बाद में उसको सबमिट भी करना पड़ता है। तो आपके टीम में कितना, आप अकेले हैं कि? नहीं, हम लोग कम से कम 150 लोग हैं। 150 लोग यहाँ पे एक ट्रेन? नहीं, एक ट्रेन में नहीं, एक ट्रेन में कम से कम 40-45 स्टाफ रहता पूरा। 40-45 स्टाफ, और एक कोच के लिए कितना रहता है? एक कोच का एक आदमी रहता है। आप इस कोच के आप हैं जी? हाँ, पूरा संभालते हैं। तो लतीफ जी आप ये बताइए, 10 साल हो आपका, आपने 10 साल बोला कि 10 साल हो गए, 2010 से कर रहे हैं, तो यानी आपको तकरीबन हो गया 13-14 साल। जी हाँ, तकरीबन। तो 13-14 साल में आपको क्या मतलब फ़र्क दिखा कि रेलवे में क्या फ़र्क आया है सारी चीज़ों जी? और ये है, पहले लैट्रिन बाथरूम भी जो है, मतलब काफ़ी सुधार रेलवे ने किया है। रेलवे ने पहले जो है ऐसी बाथरूम खुला था, अब बायो टॉयलेट कर दिया था उन्होंने। उसके बाद में ये इलेक्ट्रिक कोच हो गए हैं, तो स्लीपर को हटा के अब ये कर दिया है। ओनली 5 कोच खाली स्लीपर, बाकी पूरा एसी हो गया है। 5 कोच स्लीपर है, बाकी सब एसी कर दिया है। एसी कर दिया है, जनरल हटा दिया है। अच्छा, मतलब रेलवे में बहुत सुधार आया है। अच्छा, तो लतीफ़ जी रेलवे में तो सुधार आ गया है, लेकिन मैं आपसे एक बहुत ही पर्सनल सवाल पूछूंगा, आपके सैलरी में कितना सुधार आया इन 10-13 सालों में? देखिए, सैलरी का रीज़न ये है कि सैलरी तो हमारी 10,000 रुपये है, लेकिन हमारे खाते में आते हैं 2,000, रेल देती है इनको 25,000 रुपये ठेकेदार को। रेल देती है 25,000 रुपये और पर आदमी इनको 25,000 मिलते हैं ठेकेदार को, लेकिन ठेकेदार देते हैं हम लोगों को, तो क्या मतलब 10,000 कहते हैं, लेकिन देते हैं 2,000, क्यों? हम लोग का जो पेट्रोल होता है वो पैसेंजर लेके चले जाते हैं अक्सर, कंबल तकिया, तो हम लोग का जो है रिकवरी हो जाता है सैलरी से। तो मतलब आप लोग जो बेड देते हैं पैसेंजर्स को, तो अगर वो पैसेंजर लेकर चला गया, तकरीबन एक ट्रेन में 900 पैसेंजर आते होंगे, 900 से 1000 पैसेंजर आते होंगे, और एक आदमी में एक कोच में कितने पैसेंजर रहते हैं? 80 पैसेंजर आते हैं, लेकिन जो है वेटिंग वेटिंग सब मिला के 100-150 हो जाते हैं। तो 100-150 पे एक आदमी संभाल रहा है। यस, तो अगर उसमें से उस 150 आदमी से में तकरीबन 20 आदमी को लेकर 10 आदमी को लेकर जाता ही जाता होगा, तो 5 आदमी तो लेके जाएगा लेकर चला जाता है, तो वो सैलरी आपके उससे हमारी सैलरी से रिकवरी होता है, तो वन जब रिकवरी होगा तो सैलरी बनती नहीं है, उस वाले से निकलना चाहिए ताकि जो आप लोग का सैलरी कट रहा है और जो नहीं है। तो आपके परिवार में कितने सदस्य हैं? हमारे लोग 10-15 लोग हम लोग हैं। शादी हो चुकी है? हाँ, हमारा एक बेटा है। एक बेटा है जी। हाँ जी। तो 2,000 रुपये अगर आप बोलते हैं घर आता है, तो कैसे संभालते हैं, कैसे चलाते हैं घर, किस तरह से होता है, मैनेज होता है? जी हमारा दूसरा भी बिजनेस है, साइड बिजनेस। अच्छा जी, हमारे पीछे से काम करता हूँ। अच्छा जी, मेरा लखनवी चिकन का काम है वहाँ। लखनवी चिकन का काम? लखनवी चिकन का, जो चिकन के कपड़े होते हैं। हाँ अच्छा जी, मैं उससे जो है अपना परिवार पालता हूँ। तो फिर आप उससे परिवार पाल रहे हैं, तो ये क्यों कंटिन्यू कर रहे हैं जब इसमें आपको परेशानी हो रही है इतनी ज़्यादा, ये क्यों कंटिन्यू कर रहे हैं, ये जॉब क्यों कंटिन्यू कर रहे हैं? क्या आदत पड़ गई है, क्या अच्छा लगता है, क्या नहीं? अच्छी बात नहीं, अब क्योंकि मैं लगे हुए हैं किसी के परमानेंट की आस्था में लगे हैं कि जो है परमानेंट नौकरी के उसमें लगे हुए हैं। हाँ, मतलब ये आस है कि एक दिन रेलवे आपको परमानेंट कर देगा। जी हाँ, किसी आस में लगे हुए हैं और कोई शौक नहीं है। अच्छा, एक परिवार बन जाएगा मेरा। तो मतलब ये 13 साल से आप इसी आस में लगे हुए हैं कि रेलवे किसी ना किसी दिन आपको परमानेंट कर देगा। जी जी, तो उसके लिए आप कोशिश कर रहे हैं कुछ, आपको आज तक उम्मीद आई कि हाँ रेलवे आपको परमानेंट करेगा? लेकिन उम्मीद तो लग तो रही है, उम्मीद पे पूरी दुनिया कायम है जी, बाकी
की उपवाले की मर्जी, बाकी हमारी किस्मत है, जहाँ हमारी किस्मत ले आएगी। धन्यवाद। तो ये ना हमारे लतीफ़ भाई जी, तो आपने देखा हिंदुस्तान में कितनी समस्याएं हैं। हम मीडिया में देखते हैं, हम न्यूज़ चैनल में देखते हैं, हम न्यूज़पेपर में पढ़ते हैं कि रेलवे में सुधार आ रहा है, रेलवे में चमक आ रही है, ठीक है, पैसेंजरों को परेशानी नहीं हो रही है, हो सकता है सरकारी कर्मचारियों को भी काफ़ी सहूलियत मिल रहा है, काफ़ी चीज़ें मिल रही हैं, काफ़ी सुविधाएँ मिल रही हैं, लेकिन उनका क्या जो अंदर एक डेली वेजेस में है, जो ठेकेदार के अंडर पे काम कर रहे हैं, जो कोई 8,000 रुपये में काम कर रहा है, कोई 10,000 मिलता है, जिनके हाथ में 2,000 रुपये आ रहे हैं, उनका क्या, उनके बारे में भी हमें सोचना चाहिए। साथ देता है लेकिन 50 का हिसाब देता है, 50 कप का, 10 कप वगैरह कभी।
60 हो गया, कमीशन तो वही है। रानीगंज स्टेशन, और अभी जस्ट मुझे अंदर कुछ पैसेंजर से पता चला है कि ये इंडिया का फर्स्ट प्राइवेट स्टेशन है, और काफ़ी अच्छा है, काफ़ी चमकदार है, काफ़ी क्लीन है। मतलब प्राइवेट स्टेशन के भी फ़ायदे हैं, लेकिन जैसा देख रहे हैं पैसे तो मिलते नहीं हैं, तो क्लीनिंग ही मिलती है। लेकिन काफ़ी अच्छा, और ठंडी ठंडी हवाएँ चल रही हैं। ऐसा मुंबई से आने के बाद एकदम मतलब अभी फील हो रहा है कि एकदम ठंडा ठंडा, मतलब मुंबई में जैसा टेम्परेचर दिसंबर के वक्त होता है ना, नवंबर दिसंबर, वैसा एकदम फीलिंग आता है यहाँ पे भी। हल्की हल्की ठंडी ठंडी हवा। कैसा लग रहा है ये स्टेशन देखे? क्लीन, बहुत बढ़िया, क्लीन, एकदम चमकदार, चमक रहा है ना। अभी इतने स्टेशन में कोई स्टेशन आया जो कोई स्पेशल उतरा मैं देखने के लिए, देखो ललितपुर स्टेशन जैसा है, चमक रहा है, फाइन मार रहा है पूरा स्टेशन, लाइट वाइट प्रॉपर। ऐसा स्टेशन वहाँ नहीं आता है वैसे, इतना तो जाती शाइन नहीं मारता। भोपाल स्टेशन में हम लोग, और ये रात का मेरा लास्ट व्लॉग होगा। अब मैं कल सुबह जैसे उतरूंगा तब मैं आपका कानपुर जैसे पहुंचूंगा तब मैं अपना दूसरा ब्लॉग स्टार्ट करूंगा, मॉर्निंग का ब्लॉग यानी। फिलहाल तो यार ठंडी ठंडी हवा आ रही है, और देख रहा हूँ यहाँ पे भोपाल में कुछ खाना तो मैंने खा लिया, अंडा बिरयानी मैंने इगतपुरी में किया था वो खा लिया। अब देख रहा हूँ यहाँ पर मैं क्या खा सकता हूँ, कुछ मीठा खाने का मन हो रहा है, कुछ मीठा हो जाए। फ्लेवर मिल्क तो पी लिया हमने, अब जाएंगे केबिन के अंदर और सो जाएंगे। फिर कल सुबह उठेंगे, कल सुबह अपने भाई अपने को दिखाएंगे कि कैसे मॉर्निंग में किस तरह से पेन को मैनेज किया जाता है, और उसके बाद लखनऊ का जर्नी स्टार्ट होगा अपना। सुबह के अराउंड 5:30-6 बजने वाले हैं, और वही देख रहा था कि अभी लोगों ने काम सुन कर मैं सो गया था, कुछ चीज़ें कवर नहीं कर पाया। एकदम जैसे सुबह सुबह उठा के अटेंडेड लोग सारा बेड वेड सीख करते हैं, कवर नहीं कर रहा है। अभी मैं ट्राई करता हूँ कवर करने का उनको। हल्दी भाई शुरू हो गया काम जी? कब से स्टार्ट किया जी? हमने अभी कानपुर में गाड़ी आई थी, मतलब आधा घंटा हो गया। तो अभी एक एक ये सारा चीज़ आप करोगे और उसके बाद काउंट करोगे सबको, इसको कलेक्ट करके हाँ वहाँ हैंड ओवर करना है। अच्छा जी, लेफ्ट जो है
चीज़ इससे मतलब पहले इकट्ठा करोगे फिर उसका काउंट करोगे फिर कहाँ पे इसको सबमिट करोगे? मैं स्टेशन पे देना है, स्टेशन में जाके लेके आ। तो फोर्ड को गिन के यही लगते हैं गायक मोबाइल यहीं पे काउंट कर लेते हो जी। सब एक एक चीज़ अलग मतलब कम्बल अलग हो जी जी। ये सारी चीज़ें आपने यहाँ पे जी कर दिया और इसमें से अगर एक भी गायब होगा तो आपकी सैलरी से पैसे जी सैलरी से भी कभी होता है। हाँ हमारी सैलरी से भी कभी होता है। अच्छा 80 टेम्पल हो गए पूरे ना गंगोत्री यमुनोत्री सब कुछ हो गया। 12 ज्योतिर्लिंग 4 धाम 2 बार हो गए। क्या चैनल का नाम है तुम्हारा? ट्रैवलिंग टेम्पल्स और इंस्टा पे डेली दर्शन। मैं भारत के सनातन धर्म का रिप्रेजेंट कर रहा हूँ और अभी 23 साल की उम्र में इतने सारे धाम हो गए हैं तो भगवान की कृपा है ये सारी चीज़ें कि भगवान भोलेनाथ मुझे बुलाते हैं। अभी मैं महाराष्ट्र के टूर से लौट रहा हूँ जिसमें मैंने पंडरपुर तुलजा भवानी और सिटी शनि सिंगापुर त्र्यंबकेश्वर संत सप्तशृंगी और काफ़ी सारे माताओं के दर्शन किया। मैं अब इस समय 51 शक्तिपीठ के दर्शन कर रहा हूँ जिसमें मुझे 30 शक्तिपीठों के दर्शन प्राप्त हो चुके हैं। जय माता दी। क्या बात है, एकदम बहुत ठंडी पड़ रही है बाहर, एकदम कोहरा छाया हुआ है ना। मुंबई में तो एकदम कुछ नहीं था, यहाँ पे मैं भी आपको दिखाता हूँ कैसा फुल ठंडा है। एकदम फुल ठंडा है, एकदम दिखाता हूँ। ये पूरा कोहरा छाया हुआ है खिड़की के बाहर जो देख रहे हैं। तो अभी दरवाजे पे आ गया हूँ और दरवाजे के पास से मैं आपको दिखाता हूँ बाहर का कोहरे का हाल है। देख के तो बड़ा मजा आ रहा है मुझे। बस अभी कुछ ही बाकी हैं, हम लगभग शहर के अंदर पहुँच जाएंगे। आपको दिख ही रहा होगा शहर दिख रहा है अंदर घुसते हुए। बस थोड़ी देर में हम लखनऊ के अंदर मतलब लखनऊ के अंदर घुस चुके हैं, लखनऊ स्टेशन पर पहुँच चुके हैं। हो गया तुम्हारा सारा ये हो गया है। हाँ हमारे जो है फाइनली लखनऊ स्टेशन आ गए जी। लखनऊ स्टेशन में आप आ गए अब और ये हमारा जो है यहाँ से हाँ लाइन जो है ऑफ कर दिया गया है। अच्छा अंदर का पूरा बंद बस लाइट नहीं बंद किया अभी जिंदे उतर गए खाली प्लान बंद किया खाली। चलो ठीक है तो लतीफ भाई कुछ कहना चाहोगे लास्ट में? लास्ट में बस आप लोग ही कुछ तो बोल दो क्या बोले। चलो ठीक है तो पूरा कंपार्टमेंट खाली हो गया और बस हम बस निकल रहे हैं यहाँ से। ये मैंने अपना बैग ले लिया है और मेरी मुंबई से लखनऊ की ट्रेन जर्नी खत्म। फाइनली मैं ये लखनऊ के रेलवे स्टेशन पहुंच गया। बॉम्बे से लखनऊ तक का आपने सफ़र देखा कि कैसे हमने मुंबई से लखनऊ का पूरा सफ़र कवर किया। आपने लोगों के प्रॉब्लम देखे, हमने किस तरह से ट्रेन पर जुड़ने की लोगों की समस्याएं देखी जो ट्रेन के अंदर ट्रैवल करते हैं। तो इसी तरह से हम चीज़ें कवर करते रहेंगे आगे भी। बस आपको करना क्या है, ऑटोमेटिक बंदे को लाइक फॉलो एंड सब्सक्राइब करना है।